आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के बर्बन ब्रॉडवे रेस्टोरेंट में और यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम टेरेस पे इस टाइम खड़े हैं और हमें बहुत ही मेलेडियस वॉइस सुनने को मिल रही है। तो हम अंदर जाके पता करते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल वॉइस हमें किसकी आ रही है। एथे बंदियां दे रब बोते ने पर रब दा बंदा कोई नहीं, जे तू रब दा बंदा गंदा तंदा छड़दा क्यों नहीं। टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे लुधियानवीज का बहुत बहुत वार्म वेलकम। और हमारे साथ जो पंजाबी सिंगर आज बैठे हैं, ये हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के लेजेंड बन चुके हैं आज के टाइम पे, और उनका एक सॉन्ग आया था रब दा बंदा। तो आइए उनसे ही जानते हैं कि इस सॉन्ग से वो कैसे फेमस हुए और कैसे उन्होंने इतना इंस्पायरिंग सॉन्ग लोगों के लिए वो लेकर आए थे। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने मेरे को टैग दे दिया रब दा बंदा लेजेंड, अभी चल रहा है प्रोसेस, कोशिश कर रहा हूँ कि उस मुकाम तक पहुँचूँ कि बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग आप उस एक सॉन्ग से लेजेंड बन चुके हैं हमारे पंजाब के। थैंक यू सो मच जी। तो सर, हम चाहते हैं आप अपनी स्टार्टिंग अपने उसी सॉन्ग से कुछ तीन चार लाइनें ऑन सेट सुनाइए सबको। थोड़ा सा ट्राई करूँ, गिटार नहीं मेरे पास आज। हाँ सी लभ दे फिर दे हाँ उसनू जिदा पता ता दसदा कोई नहीं, इत्थे बंदियां दे रब बहुते ने पर रब दा बंदा कोई नहीं, जे तू रब दा बंदा गंदा तंदा छड़दा क्यों नहीं। उत्ते बूहे बंद मिलणगे ना तेरे नाल रलणगे, तू ता भर लिया अपनिया जेबां उत्ते ता बंदे नंग मिलणगे, जे तू रब दा बंदा गंदा तंदा छड़दा क्यों नहीं। थैंक यू सो, थोड़ा सा गला है। सर यू आर ब्लेस्ड विद सच ए ब्यूटीफुल वॉइस। सर एक चीज़ और बताइए, ये जो आपका म्यूजिक लाइन में इंटरेस्ट है, ये बाय बर्थ है या बाय प्रोफेशन? आप पहले हमने सुना है आप फैशन डिज़ाइनर रह चुके हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। था लुधियाना में जॉब करता था, लेकिन थ्री इडियट्स ने ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उसके बाद इधर कुछ लगा कि घर पर अक्सर बात होती रहती है कि सोसाइटी को क्या डिलीवर कर रहे हो आप, अगर यहाँ पर आए हो उसके बाद पता नहीं कहाँ जाना है तो आप दे क्या रहे हो सोसाइटी को। तो सोचा कि कुछ ऐसा कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट तो आपका रहा ही होगा कि म्यूज़िक से, जैसे अब आप सॉन्ग्स दे रहे हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री को। तो पहले पापा गाते थे घर पे थोड़ा बहुत, फिर घर पे ऐसा माहौल था, फिर मेरा गिटार में इंटरेस्ट हुआ, फिर जब मैं डिप्लोमा कर रहा था स्टडी कर रहा था तो कभी गिटार क्लास में चले जाना, तो और अप्रिसिएशन मिलती गई, और जैसे जैसे अप्रिसिएशन मिलती गई मैं फिर इधर ज़्यादा इन्वॉल्व होता गया। आपका सर ये फर्स्ट सॉन्ग था रब दा बंदा जो आया इससे पहले? हाँ, इससे पहले लार्वे सॉन्ग आया, फिर रब दा बंदा किया, फिर बाबले दी पग। तो अब नेक्स्ट वाला रेडियो, उसका अभी रिलीज डेट अनाउंस करते हैं जल्दी। जैसे रब दा बंदा सॉन्ग आया था, बहुत एक इंस्पायरिंग सॉन्ग था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया उसको, तो वो आपका वो कंसेप्ट कैसे माइंड में आया कि कोई डिफरेंट सा सॉन्ग पंजाबी इंडस्ट्री को दिया जाए? तो वाराणसी था मैं, वहाँ पे घाट है हरीशचंद्र घाट, तो यहाँ पे मसान जलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से थॉट आया कि हम क्या हैं, क्या कि दो मिनट में सब कुछ जलकर सुबह हो जाता है सब कुछ, तो वहाँ से आया कंसेप्ट रब दा बंदा, थॉट वहाँ से जनरेट हुआ, फिर आते आते ऐसे ऐसे गाना बनता गया, फिर जैसे जैसे बनता गया ऐसे फिर वाराणसी शूट किया हमने उसको, हरिद्वार में शूट किया, वृंदावन शूट किया, काफ़ी जगह पे उसको हमने उसका वीडियो शूट किया जी। तो ऐसे बनते बनते वो गाना मुकाम पे। तो वो लोगों से कैसा आपको, मतलब आप जब वो सॉन्ग लॉन्च हुआ लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, कैसा आपको मतलब रिव्यूज़ मिले लोगों की तरफ से? हाँ, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि वो गाना था, लो बजट वीडियो था उसका, कि हमने ट्रैवल करते करते शूट करते रहे, बनाते रहे, गाते रहे, फिर ऐसे तो लोगों को लगा कुछ डिफरेंट सा उसका एडिटिंग। मेरे साथ गुनताज करेवाल हैं जो मेरे साथ शूट पे थे, जो हमें अच्छा फीडबैक मिला, उसे अप्रिशिएशन काफ़ी मिली, उसके बाद हमने काफ़ी गाने उसके कंटेंट उसके बाद उस अप्रिशिएशन के बाद हमने किए, जनरेट किए जी, बनाए उसके बाद। एक चीज़ और बताइए, जैसे हम देखते हैं पंजाबी जो सॉन्ग्स पहले के रहे हो या आजकल जो पंजाबी सॉन्ग्स चल रहे हैं, आपको कितना डिफरेंस फील होता है कि कितना जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग क्या कुछ चेंजेस आए हैं पंजाबी म्यूज़िक में? ये बड़ा टफ सवाल आपने पूछा मेरे से, लेकिन मेरे को लगता है कि सबके अपने अपने मूड्स अप हो गए हैं। अगर आप ट्रैवल करें तो आपकी जो प्लेलिस्ट होगी और होगी, अगर आप सैड है तो आपकी प्लेलिस्ट और होगी, अगर बारिश हो रही है तो आपकी प्लेलिस्ट, सब ने अपने तरीके से डिवाइड कर लिया म्यूज़िक को। पहले था कि रोमांटिक चल रहे हैं तो बंदा रोमांटिक भी सुन रहा है, सैड है तो भी रोमांटिक सुन रहा है, अब अलग अलग सिस्टम हो गया सबका कि अगर मैं अब लुधियाना से कहीं चंडीगढ़ से लुधियाना जा रहा हूँ तो मेरी प्लेलिस्ट और होगी, अगर मैं शादी में हूँ तो मेरी प्लेलिस्ट और। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि सिर्फ डांसिंग ट्रैक्स को यहाँ ज़्यादा जोर दिया जाता है? नहीं, सबका अपना अपना है, जैसे
किसी को अमरूद पसंद है, किसी को केला तो सबका अपना अपना है जी कि मेरे को सैड सॉन्ग, मेरे को बीट सॉन्ग अच्छे लगते हैं। मोस्टली गाड़ी में जो गाने चलते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गई बंदे की, इजी हो गया, हाईवे हो गए हैं, तो बंदा ट्रैवल करता रहता है कहीं ना कहीं, तो उसको लगता है कि मेरी गाड़ी अच्छे से चले, तो नो कमेंट्स इस पे। कि सर एक चीज़ और हमें बताइए, जैसे आजकल हम सुनने में आ रहा है जो बब्बू मान हमारे एक फेमस सिंगर हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, तो उनकी कोई कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं सिंगर्स के साथ, कुछ सिद्धू मूसेवाला एंड जेजी भी, तो उसके बारे में आपके क्या थाट्स हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि सीनियर आर्टिस्ट हमेशा सीनियर होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर उनमें कुछ ऐसा थाट्स, एक्चुअली वो जो करते हैं वो और कोई बंदा है जो उनमें 10 कमेंट इसने कर दिए, 10 कमेंट उन्होंने कर दिए, एक्चुअली सच किसी को नहीं पता होता कि क्या है उसमें, लेकिन सिर्फ आपको लगता है कि TRP इंक्रीज करने के लिए ये सब कॉन्ट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। आजकल अच्छा चला हुआ कि अगर कुछ फेमस होना है तो आप, अब इतने हो गए, TikTok हो गया है, Facebook हो गया है, Instagram हो गया, सब पे ईजी हो गया सब कुछ, अपने आप को हाईलाइट करना या कुछ करना, लेकिन अब सबकी अपनी मर्जी है, सबका अपना सुकून है, जो ले रहा है उसको। जैसे हमने आपका सॉन्ग्स में देखा है कि सूफी टच आता है सॉन्ग्स में, तो क्या आपका वो एक लाइकिंग्स है कि आपने सूफी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस आप देते हैं, मतलब ये आपका पैशन है? ऐसा सूफ़ी मैं प्रॉपर नहीं कहूँगा, सूफ़ी सेमी सूफ़ी कह सकते हैं उसको, कि लेकिन होता कि जो दिल से मैं, एक्चुअली मेरी जो प्रॉब्लम है ना कि थॉट्स जो मेरे माइंड में आते हैं उनको मैं चाहता हूँ कि वेंटिलेशन उनकी हो थॉट्स की, चाहे वो ललार भी हो, चाहे बावले दीपक, रब दा बंदा थॉट था एक दिमाग में, वो बाहर आया किसी तरीके से, तो अब भी जो दिमाग में थॉट्स चलते हैं मैं चाहता हूँ कि उनकी वेंटिलेशन हो, ऐसा तो है नहीं जहाँ वो गाना गा के हो या फिल्मिंग करके कुछ भी करके, लेकिन वो थॉट्स बाहर आने चाहिए। आप तो अब कह सकते हैं कि जो मेरे थॉट्स की वेंटिलेशन उनको मैं गाने में बना लेता हूँ। तो सुना एक्टिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है? हाँ, लेकिन अब चल रही है जी, कुछ ना कुछ लर्न करना रहना चाहिए, क्योंकि अगर आज का जो ज़माना है कि जो ऑलराउंडर होगा बंदा वो सक्सेस में, उसको जल्दी ईजी, अगर आप एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हो, आप लिख भी लेते हो, गा भी लेते हो, और तो आपको बेनिफिट इसके हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, जैसे यहाँ के लोग हैं उन्होंने आपके सॉन्ग्स तो अप्रिशिएट किए ही हैं, बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग्स हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, तो आपके लुक्स को भी बहुत अप्रिशिएट किया है। जैसे हम आजकल देखते हैं मॉडर्नाइजेशन का टाइम है, हर कोई फॉरेन कल्चर को कॉपी कर रहा है, एक दूसरे को कॉपी कर रहा है, और आपका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, सबसे अलग है, तो आपको क्या लगता है कि आपने कभी इस चीज़ को फॉलो नहीं किया लोगों को देख के, जैसे आप खुद फैशन डिज़ाइनर रह चुके हैं? ऐसा कुछ नहीं है, अक्सर मेरे घर पे बात होती है कि जैसे बॉडी को बुखार आता है वैसे आपको पोइम्स आती हैं, वैसे आपको सब कुछ, वैसे आप कुछ जानबूझ के नहीं आप करते, तो ये जो कॉस्ट्यूम या जो मैंने ये इंटायर कैरी किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था किसी को देख के या फॉलो किया, किसी को एक ख्याल आया दिल में कि ये ऐसा। जैसे हमने बताया कि बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल यूनिक स्टाइल होता है, आप कहीं भी आज लुधियाना में इवन ले लीजिए, आप कहीं जाएंगे तो हर कोई आपकी तरफ फोकस करेगा कि मतलब ही इज़ वेरी डिफरेंट, तो वही चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो आपको कैसे ये चीज़ लगी कि आपने सबसे डिफरेंट होके चलना है, किसी को कॉपी नहीं करना, किसी को फॉलो नहीं करना? मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी मर्जी के कॉपीराइट्स मेरे पास ही हैं, तो तो ये मेरी मर्जी है कि मैं इनको ऐसे करता, लेकिन दिक्कतें भी आती है कई बार, जैसे मैं गाड़ी से ट्रैवल कर रहा हूँ तो चेकिंग हो तो वो ध्यान से देखते हैं, क्योंकि लुक वैसा है थोड़ा सा, तो तो शायद ठीक, लेकिन अच्छा मेरे को खुद से प्यार, लोगों की तरफ से प्यार और अप्रिसिएशन ही मिल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके सर, और एक चीज़ बताइए कि आपके अपने 3 इयर्स आपने बताया कि म्यूज़िकल इंडस्ट्री में आपको हो गए, तो इस 3 इयर्स के पीरियड में आपने कितने, ऑलमोस्ट कितने सॉन्ग्स आप म्यूज़िक इंडस्ट्री को दे चुके हैं अब तक? अभी 4 सॉन्ग्स आए हैं जी, पहले 2 फिल्म में आए थे गाने, तो अभी नेक्स्ट वाला ऑलमोस्ट रेडी है जी, तो अभी चल रहा है, अभी डेली 2-3 दिन बाद गाना बन जाता है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आपने मतलब है कि आपका वहाँ पर भी आपने म्यूज़िक देना है मूवीज़ के लिए? इंशाल्लाह, अगर सब कुछ ये होता है कि जो आपको सुनते हैं वो लिसनर, आपके जो आपको बनाने वाले लिसनर होते हैं, अगर उनको अच्छा लग रहा है तो होपफुली एक ना एक दिन वो टाइम आएगा कि बॉलीवुड में गाने, क्योंकि कला ही ऐसी है जो आपको सब तक जोड़ती है सबके पास। अगर मैं गाता ना होता, या मैं गिटार प्लेयर ना होता, या मैं कुछ आर्टिस्ट ना होता, तो शायद मेरे को आप यहाँ पर बैठ पाता, लेकिन कला है वो पहुँचेगी, अगर आप ट्रू आर्टिस्ट हो तो वो आपकी जहाँ तक पहुँचाना चाहते हो वहाँ पर कला। आने वाले आपके म्यूजिक एल्बम्स के बारे में कुछ बताइए, न्यू ईयर आ चुका है, 2019 चल रहा है, तो आपके किन किन प्रोजेक्ट्स में आप अभी काम कर रहे हैं? नेक्स्ट वाला जी स्पीड रिकॉर्ड से आ रहा है, बंटी बैंसपा जी जो है उन्होंने कर रहे हैं, और कब तक लॉन्च हो जाएगा वो? देखो जी, लास्ट अभी जो चल रही है डेट्स में 3-4 दिनों तक शायद, होपफुली ऑलमोस्ट रेडी है जी सब कुछ। तो
फिर हम चाहते हैं कि जो हमारे आजकल का यूथ है, हमारे पंजाबी सिंगर्स हैं, जैसे सॉन्ग्स आ रहे हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं कुछ चकवे सॉन्ग्स आ रहे हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं नशे की तरफ, तो हम चाहते हैं आप व्यूवर्स को, ऑडियंस को, जो हमारे सिंगर्स हैं इस टाइप के गाने गाते हैं, उनको कोई एक मैसेज दीजिए अपनी तरफ से। तो मैसेज तो ये है कि जो दिल से आ रही आवाज़ उसको फॉलो करना चाहिए आपको, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा है। और सीनियर्स आर्टिस्ट कोई भी हो, जो चाहे मैं आपके पहले कह रहा हूँ बब्बू मानपा जी हैं, चाहे कोई भी आर्टिस्ट सीनियर है, उनकी रिस्पेक्ट, ये तो लॉ है कि रिस्पेक्ट तो बनती है आपकी, और सीखते रहना चाहिए हमेशा और लर्निंग में रहना चाहिए, और अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सर अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये थे हमारे साथ पंजाबी सिंगर मिस्टर एहन, जिनका एक सॉन्ग आप सुन चुके हैं, आप उन्हें बहुत प्यार दे चुके हैं, रब दा बंदा। तो अभी भी उनके न्यू ईयर आ चुका है, उनके बहुत सॉन्ग्स आने वाले हैं, तो आप सब होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके, हमने उनसे बहुत सारी मेमोरीज उनकी शेयर की म्यूज़िक से रिलेटेड। कीप सपोर्टिंग हिम, खूब सारा उन्हें प्यार दीजिए ताकि वो आने वाले टाइम पे भी ऐसे ही सॉन्ग्स लेकर आते रहें। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।